तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लियू फेंग बार बार मरने के बाद बार बार जिंदा होता है और आखिर में जब उसकी फाइट लाउजी के साथ होती है तो वो उसे जैसे तैसे करके हरा देता है और साथ में वो सेल्फलेस रियलम को भी अचीव कर लेता है। और अगले सीन में हमें दोबारा दिखाया जाता है शाओयू को, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो एक दरवाजा खटखटाता है और वहाँ पे एक शख्स को रिक्वेस्ट करता है कि मैं बहुत ही भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए दो, मगर वो शख्स उसे धक्का देकर बाहर फेंक देता है। इसी तरह वो दर दर जाकर खाने के लिए भीख मांगता है मगर कोई भी उसे खाना नहीं देता। पर अचानक वहाँ पर एक लड़की उस पर तरस खा कर उसके लिए कुछ बंस बाहर फेंकती और कहती है कि जाओ और जाकर खा लो। तो शाओयू भागता हुआ जाता है और उन तीनों बंस को उठा लेता है, जिसके बाद अगले सीन में हम कुछ और अजूना वॉरियर तो देखते हैं जो कई जगह खड़े होकर बातें कर रहे थे। और इतने में शाओयू जब उनके पास से गुजरता है तो वो लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अरे जरा देखो, ये तो वही लड़का है ना जो आईनी पावर पर बहुत ही ज्यादा इतराया करता था। वो लोग फौरन से उसके पास जाते हैं और जाते साथ ही उसे नीचे गिरा देते हैं और उसपे दोबारा से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ छुपे हुए थे, शायद तुम्हें याद होगा कि लास्ट फाइट में तुमने मुझे क्या कहा था। तो शाओयू कहता है कि मैंने जो भी कहा था वो गलत था, तुम कोई बेकार वॉरियर नहीं बल्कि मैं बेकार वॉरियर हूँ और मैं किसी काम का नहीं हूँ। जिस पर वो मोटा कहता है कि हाँ अब तुमने सही बात कही है, लगता है कि शायद तुम्हारी अकल ठिकाने लग गई है। तो शाओयू कहता है कि क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मगर वो वॉरियर कहते हैं कि नहीं, पहले मेरे सामने गिड़गिड़ाओ और मेरे पैरों पे आकर अपनी नाक रग लो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो शाओयू को ये बात बहुत ही बुरी लगती है, मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके कदमों की तरफ आगे बढ़ता है, जिस पर वो लोग हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मगर इतने में अचानक वहाँ पर लियू फेंग पहुँच जाता है और आते साथ ही उस बोटे को किक मारकर उठाकर दूर फेंक देता है और दूसरे वॉरियर को एक जोरदार पंच मारता है। मगर तीसरा वॉरियर उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है मगर वो उसे भी उठाकर दूर फेंक देता है। उसे वहाँ पर देखकर शाओयू काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो अब पूरी तरह से बदल चुका होता है और वो मोटा लियू फेंग को देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पीछे से छुपकर हमला करने की। मगर वहाँ मौजूद एक दूसरा लड़का कहता है कि ये तो काफी बदल गया है और फिर लियू फेंग उन लोगों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग मेरे इस कमजोर दोस्त को तंग कर रहे हो। ये सुनते ही वो मोटा गुस्से में अपने दोस्तों से कहता है कि जाओ जाकर से सबक सिखाओ। तो उसका दोस्त जैसे ही पंच मारने के लिए आता है तो लियू फेंग एक ही हाथ से उसके पंच को रोक देता है और उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। इसी तरह फिर बाकी वॉरियर भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं तो लियू फेंग बहुत ही आसानी से उनके अटैक से बचते हुए उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा होता है और कुछ ही देर में उनका काम तमाम कर देता है, जिसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो वो लोग दम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। और लियू फेंग दोबारा से शाओयू के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मैं अब वापस आ गया हूँ। वो लोग रात को एक जगह बैठकर आपस में बातें करते रहते हैं और शाओयू उसे बताता है कि जिस दिन से हम लोग अलग हुए हैं उस दिन से लेकर अब तक बहुत कुछ हो चुका है, मैं भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर किसी तरह सरवाइव कर रहा हूँ। सच में मुझे वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं जब हम लोग एक साथ यहाँ पर खेला करते थे। तो लियू फेंग कहता है मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। तो शाओयू उसे बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए लॉर्ड वांग के पास गया था, उसे जाकर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, मगर लॉर्ड वांग ने कहा कि तुमने अपना काम कर दिया है इसलिए तुम अब चाहो तो मर सकते हो। ये कहते हुए लॉर्ड वांग ने उस पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक किया था जिससे बचते हुए वो फौरन से पीछे हट जाता है, मगर इस अटैक की वजह से उसकी एक टांग कट जाती है और लॉर्ड वांग उस पर दोबारा से हमला करने वाला होता है और उसे कहता है कि तुम एक डिसेबल्ड अजूरा हो इसलिए तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर निकल जाओ, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सारे अर्थ से छुटकारा दे सकता हूँ। ये कहकर वो उसे मार मारने के लिए एनर्जी जनरेट करता है, मगर शाओयू उसे कहता है कि लॉर्ड वांग प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और मैं वैसे भी एनुअल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर लॉर्ड वांग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद शाओयू कहता है कि उस दिन के बाद से मैंने बहुत ही बुरी जिंदगी गुजारी है, मैं जिससे भी मिलता हूँ वो मुझसे नफरत करता है और मुझे समझ में आने लगा है कि तुम पहले किस तरह फील करते थे जब तुम डिसेबल्ड थे, मगर तुम अपने बारे में बताओ इतने दिन तक तुम कहाँ थे। तो फेंग बताता है कि मुझे एंसेस्टर यी जिंग ने अपनी स्पेसशिप में बुला लिया था जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली लाओजी के साथ फाइट करता रहा और फाइट करते करते मैं काफी पावरफुल बन चुका हूँ। तो शाओयू कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए हो। और इतने में वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि जरा वो स्टार देखो, वो स्टार जरूर मेरा फादर होगा।
तो फेंग कहता है कि हाँ वो दूसरा स्टार देखो, वो जरूर मेरी सिस्टर है। जिसके बाद शाओयू अपने गले में मौजूद वो बोन्स का हार उतारते हुए कहता है कि ये बोन्स ट्रॉफी मुझे फर्स्ट बैटल जीतने पर मिली थी, आज ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने कई साल तक इसे पहने रखा है ताकि मैं खुद को मोटिवेट करता रहूं। पर लुओ फेंग कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा ओनर है इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। पर शाओयू कहता है कि मैं तुम्हें इतने दिनों के बाद देख रहा हूँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ। पता नहीं मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा भी या नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ट्रॉफी तुम रख लो। मगर लुओ फेंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम बस कुछ दिन वेट कर जाओ, हम लोग एक साथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मैं वो कॉम्पिटिशन जीत जाऊँ तो फिर मैं तुम्हारा ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लूंगा। तुम बताओ कि क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे? तो शाओयू कहता है कि आज से एक साल पहले मैं अपने विलेज का एक प्राउड डिसाइपल हुआ करता था और मेरे जीतने के भी पूरे चांसेस थे, मगर अब देखो मैं अब एक डिसेबल अधूरा वॉरियर बन गया हूँ जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, हर कोई मुझसे नफरत करता है। पर लुओ फेंग कहता है तुम घबराओ मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। ये सुनकर शाओयू कहता है कि क्या तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हो कि तुम अब मेरा ख्याल रखोगे? तुमने ऐसा कहकर सच में मुझे शर्मिंदा कर दिया है। ये बात सुनकर लुओ फेंग भी हैरान हो जाता है। मगर अचानक शाओयू कहता है कि अरे मजाक कर रहा था, मैं तो बस वही फील कर रहा हूँ जो उस दिन तुम फील कर रहे थे। चलो आ जाओ, आज की रात हम लोग एक साथ सोएंगे। ये सुनकर लुओ फेंग उसके साथ चला जाता है और वो लोग रात को एक साथ सोते हैं। मगर इतने में अचानक शाओयू की आंख खुलती है तो वो उठकर बैठ जाता है और लुओ फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि वापस आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मुझे अपनी आगे की जिंदगी को जीने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। ये कहकर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। और जब सुबह होती है तो हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग वो भी जाग जाता है और वो शाओयू की तरफ देखता है तो वो वहाँ पे नहीं होता, जिस पर वो काफी हैरान होता है कि ये सुबह सवेरे कहाँ चला गया। वो उसे ढूंढने के लिए शहर में आता है और वहाँ पे भी उसे वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में अचानक वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि आज एक अधूरा वॉरियर को फांसी दी गई है, वो हमारे ट्रेडिशन को चेंज करना चाहता था, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे लगा कि वो अधूरा किंग के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो बचकर निकल जाएगा। ये बात सुनते ही लुओ फेंग बहुत ही तेजी के साथ भागना शुरू करता है। लोगों के बीच में से घुसते हुए उस एग्जीक्यूशन वाली जगह पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर शाओयू को इसी ने मार दिया होता है। उसे वहाँ पर इस हाल में देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इतने में अचानक वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और लुओ फेंग शाओयू को भी फौरन से नीचे उतार देता है और कहता है कि आखिर इसका कसूर क्या था, ये बस जीना चाहता था। आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक जगह बैठकर रो रहा होता है और उसके बराबर में शाओयू की सोल होती है जो कि लुओ फेंग से कहती है कि मेरी मौत में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं वैसे भी एक आजाद जिंदगी चाहता था, मगर मैंने तुम्हारे साथ जो भी टाइम गुजारा है वो मेरे लिए एक गोल्डन टाइम है, इसलिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जिंदा रहता भी तो हमेशा तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता और तुम जानते हो कि जब दूसरों पर डिपेंड किया जाता है तो कैसा फील होता है। मगर लुओ फेंग कहता है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। और इतने में अचानक उसकी सिस्टर भी वहाँ पर आ जाती है जो कि उससे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी खातिर शाओयू ने अपनी जान कुर्बान कर दी और तुम यहाँ पर बैठकर रो रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसकी कुर्बानी को जाया नहीं होने देना चाहिए? मगर वो अपने सिर पे हाथ रखता है और कहता है कि प्लीज ऐसी बातें मत करो। तो उसकी सिस्टर कहती है कि अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो फिर अधूरा वॉरियर्स की नजर में तुम फिर से एक बेकार वॉरियर कहलाओगे, सब लोग फिर से तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और इतने में वहाँ पर जिंगी आ जाता है और कहता है कि तुम्हें दूसरे लोगों से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, जब भी तुम दूसरों से उम्मीद उठाओगे तो तुम हमेशा मायूस हो जाओगे, अब तुम पहले वाले लुओ फेंग नहीं हो, आखिर तुम बताओ कि तुम चाहते क्या हो? तो लुओ फेंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना गुस्सा बाहर निकालूं, मुझे अपना गुस्सा निकालना है, अब मैं अपनी पावर्स को और ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा। इतने में वहाँ पर लाओ जी आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो फिर तुम्हें इंतजार किसका है, दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारा गुस्सा क्या है ताकि लोगों को पता चले कि तुम्हारी भी कोई वैल्यू है, तुम्हें अपने आप को मनवाना है तो तुम्हें गुस्सा करना ही होगा। जिस पर लुओ फेंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वक्त आ गया है कि दुनिया को मुझे अपनी पावर दिखानी चाहिए। जिसके बाद अगले सीन में हमें एनुअल फेस्टिवल का हिंद दिखाया जाता है जहाँ पे वो फेंग खड़ा हुआ होता है और उसके चारों तरफ वही लोग खड़े हुए होते हैं जिन्होंने शाओयू को कुछ दिन पहले मारा था। और वो लोग लुओ फेंग का भी मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं कि तुम एश फेस्टिवल में आओगे और हमें हराओगे, लगता है कि शायद तुम अपनी औकात से बढ़कर अपने देखने लगे हो।
तुम्हारा हशर भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम्हारे उस दोस्त का हुआ था। और किंग ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया, वो वैसे भी जिंदगी को डिजर्व नहीं करता था। और तुम भी आज तैयार हो जाओ क्योंकि आज मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। उसके बाद तुम भी अपने उस दोस्त के पास चले जाना। ये सुनकर लू फेंग मुस्कुराता है और कहता है कि आज तो बड़ा मजा आएगा। और दूसरी तरफ हमें किंग क्वांग को दिखाया जाता है। वो कहता है कि इस मर्तबा तो काफी हाई स्टैंडर्ड के वॉरियर्स आए हैं। मुझे तो लगता है कि इस मर्तबा की बैटल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और इतने में अचानक उसकी बेटी कहती है कि फादर, क्या आप अपनी गॉड ऑफ वार से देख सकते हैं कि कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर है? वो क्वांग अपनी गॉड ऑफ वार आइस का इस्तेमाल करता है जिससे वो उन सब लोगों की पावर्स को देखते हुए कहता है कि इन लोगों की फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरह से चार्ज है और ये लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मगर वो लड़की जब लू फेंग की तरफ देखती है तो वो कहती है कि फादर, जरा उस लड़के की पावर्स को चेक करें। तो किंग जब उसकी पावर्स को चेक करता है तो वो खुद भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये लड़का है क्या? इसकी पावर्स को मैं रीड नहीं कर पा रहा, आखिर ये लड़का कितना पावरफुल है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर फादर की गोड आइस भी इस लड़के की पावर्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रही तो इसका मतलब है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही लाजवाब होगी और ये पास्ट के सारे वॉरियर से बिल्कुल अलग होगा। जिसके बाद किंग सब लोगों की अटेंशन अपनी तरफ करते हुए कहता है कि जैसा कि सब लोगों को पता है कि ये एनुअल फेस्टिवल हर साल होता है और जो लड़के यंग हो जाते हैं उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करना ही होता है। जो लोग भी इस टेस्ट को पास कर लेंगे वो एक सर्टिफाइड अजूनो वॉरियर बन जाएंगे। इनकी बातें सुनकर लू फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था मगर वो अब तक किसी तरह खुद को होल्ड किए हुए था। किंग कहता है कि हमारा ट्रेडिशन यही है कि हम लोग जी के ही लड़ने के लिए हैं। और वहाँ पे मौजूद एक वॉरियर कहता है कि आखिर किंग ये बोरिंग स्टोरी कब बंद करेगा? हर साल ये बोरिंग स्टोरी सुनाता है, पता नहीं इसे किंग किसने बला दिया है। तो दूसरा लड़का कहता है कि ये एक रिच फैमिली से है इसीलिए इसे किंग बनाया गया है, वरना इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा नहीं है। मुदर जरा देखो ये काफी ज्यादा घबराया वो लग रहा है, जरूर इन वॉरियर्स में कोई ना कोई खास बात है। इतना अचानक लू फेंग बहुत ही जोर से चिल्लाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखों से गोदी पावरफुल ब्लड ओरा निकलता है जो कि पूरे ग्राउंड में फैल जाता है। यूनेकर वहाँ मौजूद सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और कुछ वॉरियर कहते हैं लू फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने किंग की स्पीच को बीच में रोक दिया है। मदर लू फेंग गुस्से में अपनी दोनों सोर्ड्स बाहर निकालता है और लाइटनिंग की स्पीड के साथ उन लोगों के बीच में सब मूव हुए लोगों पर अपने सोर्ड के अटैक करता जाता है। उसकी स्पीड इतनी होती है कि वहाँ पे मौजूद किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि उन लोगों के साथ हुआ क्या है। पर इतने में अचानक एक लड़के के चेहरे पर हल्का सा कट लगता है और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने अपनी सोर्ड की मदद से उन लोगों पर इतने वार किए होते हैं कि उल्टी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो पूरा ग्राउंड खून से भर जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने भी ऐसा सीन नहीं देखा था। वो सब लोग कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है। और वहाँ खड़ा एक वॉरियर कहता है और किसने ये अटैक कब थी, मैं तो इसका एट भी अटैक नहीं देख पाया और का पावर लेवल तो बहुत ही लो है, तो फिर इसने ये सब उच्च कैसे कर दिया? और लू फेंग शाओयू को कहता है कि एक मर्तबा अच्छे से देख लो, क्या तुम इसी 51 से डर कर भागना चाहते थे? मैं कुमारी मौत का बदला जरूर लूंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।